हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक पेमेंट्स के बारे में जो हमें टेंडर के साथ हम लोगों को इंक्लूड करके देनी पड़ती है। तो इसके अंदर इंक्लूड है, फर्स्ट है हमारी टेंडर फी एंड सेकंड है ईएमडी। ईएमडी को हम लोग अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी कहते हैं। सो ये दो पेमेंट ऐसी हैं जो हम लोगों को टेंडर के साथ, जब हम लोग टेंडर फिल करते हैं, सो उसमें हम लोगों को ये दोनों पेमेंट साथ में देनी होती है। तो आइए बात करते हैं दोनों पेमेंट्स के बारे में। सो टेंडर फी होती है, जो भी हम लोग टेंडर फिल कर रहे हैं तो उस टेंडर को भरने के लिए जो पेमेंट होती है उसको टेंडर फी कहते हैं। सो बेसिकली टेंडर फी होती है वो तीन चार तरीके से दी जाती है। पहला इसका जो मोड होता है वो होता है ऑनलाइन पेमेंट। की अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होता है कि डायरेक्ट हम लोग क्लाइंट के अकाउंट में हम लोग ये सबमिट करते हैं। सो टेंडर के अंदर क्लाइंट अपना बैंक डिटेल जो होता है वो इंक्लूड करता है, या चाहे वो आरएफपी हो या वो टेंडर हो, इन दोनों के अंदर उन क्लाइंट की बैंक डिटेल मेंशन्ड होती है, जिसमें हम लोगों को टेंडर फी डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू सबमिट करनी होती है। सो हमारा ये फर्स्ट मोड होता है ऑनलाइन पेमेंट। सेकंड मोड की बात करें तो उसे हम बोलते हैं डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। सो सेकंड जो तरीका होता है टेंडर फी सबमिट करने का उसे हम बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। सो डिमांड ड्राफ्ट हम लोग बैंक के थ्रू बनवाते हैं। तो इसमें हम लोगों को बैंक को चार पांच डिटेल्स देनी होती है, तो जिसमें इंक्लूड होता है हमें कितने अमाउंट की डीडी सबमिट होगी, कितने अमाउंट की डीडी बनेगी, प्लस जो डीडी हम लोग बनवा रहे हैं वो किसके फेवर में बनेगी। बेसिकली क्लाइंट का जो नाम होता है वो किस बैंक के थ्रू बनवा रहा है वो हम लोगों को इसमें इंक्लूड करके देना होता है। जो डीडी होता है वो हमारा वैलिड होता है 90 डेज के लिए। 90 डेज के बाद हमारा जो डीडी होता है वो हमारा एक्सपायर हो जाता है। इन केस अगर हमारा टेंडर एक्सटेंड हो रहा है सो हम लोगों को नया डीडी बनवाना होता है सेम अमाउंट का विद 90 डेज वैलिडिटी। सो ये सारा जो होता है ये हमारा टेंडर फी बनाने के तरीके हैं, मोड्स हैं हम लोगों के, कि टेंडर फी कितने कितने तरीके से बनती है। सेकंड जो हम बात करते हैं ईएमडी की, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है? बेसिकली जब भी हम कोई टेंडर फिल करते हैं सो उसके साथ टेंडर फी के साथ हम लोगों को ईएमडी भी देनी होती है। बेसिकली ईएमडी क्या होती है, एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है टेंडर के अंदर, जो टेंडर फिल करने जब हम टेंडर फिल करते हैं तो उसके साथ हम लोग देते हैं। सो ईएमडी जो होती है वो हमारी तीन चार तरीके से सबमिट की जाती है, तीन चार फॉर्म्स में, मोड्स में हम लोगों को देनी होती है। सो इसका जो फर्स्ट मोड है वो हम लोगों का डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। सेम ये टेंडर फी की तरह बनता है, जिसमें हम लोगों को बैंक्स को एक अमाउंट देना होता है कितने अमाउंट की ईएमडी बनेगी प्लस किसके फेवर में बनेगी, और जो वैलिड होगी 90 डेज के लिए। सेकंड मोड की हम लोग बात करें, सेकंड मोड होता है हम लोगों का एफडीआर, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, इसको हम लोग एफडी भी कहते हैं। ईएमडी की जो वैलिडिटी होती है वो क्लाइंट हमसे मोर देन 90 डेज जब मांगता है सो हम लोगों को उस केस में एफडीआर बना के देनी होती है। तो बेसिकली एफडीआर की जो वैलिडिटी होती है वो मोर देन 90 डेज होती है। सो इस केस में हम लोगों को जो बैंक में देना होता है वो हमें एक अमाउंट देना होता है, कितने अमाउंट का हम लोगों का एफडीआर बनेगा प्लस वैलिडिटी कितने
ईयर के लिए या कितने मंथ्स के लिए वैलिड चाहिए, या क्लाइंट बोलता है कि मुझे 2 साल के लिए आपकी ईएमडी वैलिडिटी चाहिए, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा या जब तक आपका टेंडर कंप्लीट नहीं हो जाता, जो आपका काम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तो तब तक मैं आपकी ईएमडी रखूंगा। सो उसमें वैलिडिटी जो होती है वो जो जितने दिन का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उतने टाइम के लिए आपको ये ईएमडी बनवानी पड़ती है। तो सेकंड मोड हो गया आपका इसमें एफडीआर। जो थर्ड मोड होता है उसको हम बोलते हैं बैंक गारंटी। बैंक गारंटी क्या होता है? बैंक गारंटी के लिए बेसिकली हम लोगों को एक टेंडर या आरएफपी के अंदर हम लोगों को एक अनेक्षर दिया जाता है, जिस अनेक्षर को बेसिकली हम लोगों को फिल करके बैंक को देना होता है। बेसिकली उसके अंदर कि किसके नाम पे बैंक गारंटी बनेगी, कितने ईयर के लिए वैलिड रहेगी, वो हम लोगों को बैंक को हम लोगों को सबमिट करना होता है। लास्ट मोड जो होता है हम लोग का ईएमडी बनाने का, वो है हम लोगों का ऑनलाइन पेमेंट। सो ऑनलाइन पेमेंट भी सेम टेंडर फी की तरह प्रोसेस किया जाता है, जिसमें क्लाइंट जो है हमें टेंडर के अंदर या आरएफपी के अंदर अपना बैंक डिटेल मेंशन करके देता है। सो उस बैंक डिटेल के ऊपर हम लोगों को ईएमडी का जो अमाउंट है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना होता है। सो वो डायरेक्ट क्लाइंट के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। जो भी ये मोड्स हैं ईएमडी के, इनके अंदर जो भी सबसे इजी वे होता है, टेंडर फी को ले लो या आप ईएमडी को ले लो, जो सबसे इजी वे है क्लाइंट के लिए भी और बिडर के लिए भी, वो है हम लोगों का ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट सबसे इजी वे क्यों होता है बिडर या क्लाइंट को जब हम बात करते हैं? क्योंकि बिडर जब ऑनलाइन पेमेंट करता है सो वो डायरेक्ट क्लाइंट के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके जो भी उसकी रिसिप्ट होती है या उसका यूटीआर नंबर होता है वो हम लोगों को टेंडर में देना होता है। इन केस अगर हम लोग डीडी एफडीआर या बैंक गारंटी प्रोसेस करते हैं सो हम लोगों की इसकी हार्ड कॉपी जो होती है वो हम लोगों को क्लाइंट को कोरियर करनी होती है। सो इस केस में ऑनलाइन पेमेंट जो है वो सबसे ईजी मोड होता है ईएमडी या फिर टेंडर फी प्रोसेस करने के लिए। अगर हम बात करते हैं ईएमडी की, सो जो ईएमडी होती है वो हमारी टेंडर वैल्यू की 2 से 5% के बीच में होती है। सपोज कीजिए अगर आपकी टेंडर वैल्यू 1,000 रुपये है, सो इसकी 2 से 5% के बीच में आपकी ईएमडी होगी। लेट्स टेंडर वैल्यू इज 1,000, सो जो आपकी टेंडर जो आपकी ईएमडी है वो जो कैलकुलेट होगी वो हो गई आपकी 20 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में, जो कि एक क्लाइंट वेरी कर सकता है। बेसिकली वो आपकी चाहे 3% रख ले या वो आपकी 4% रख ले, सो वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी ईएमडी कितनी रखेगा। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको टेंडर फी या ईएमडी से रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।